मौसम आजकल ट्रिक कर रहा है लोगों को। कल तक इतनी गर्मी हो रही थी, लोग सोच रहे थे स्वेटर्स उतार देते हैं, और आज इतनी ठंड हो गई, इसलिए मैंने हाईनेक पहन लिया ताकि मैं बीमार ना पड़ूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ी एक बारी तो फिर ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेलकम गाइस, हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी आस्था चंबोले। लेट्स स्टार्ट विद आवर ब्रेकफास्ट। फर्स्ट पराठा है, पत्ता गोभी की सब्जी है और बादाम है, और ये मैं, ये हवा। ठंड लग रही है, अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों फ्रेश तो फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है कुछ दिनों में बारिश भी आ जाएगी, जो कि आनी ही है। ऐसे ही होता है, थोड़ी गर्मी बढ़ती है उसके बाद ठंड ज़रूर पड़ती है और लोग बीमार होते हैं। कंटिन्यूस अब बाहर का खाने का मन कर रहा है कुछ, और मैं इतनी सोशल ऑफर पर्सन हूँ, मैं अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती खाने के लिए। अगर कोई लोग पे खाने हैं, चाउमिन खाने हैं, तो मेरे साथ कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, चाहे एक ही बंदा हो, चाहे वो बंदा खाए भी ना मेरे साथ, बट मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। दिस इज़ हाउ माई व्लॉगिंग इज़ गोइंग। सुबह जाते हुए रास्ता दिखाओ, आते हुए रास्ता दिखाओ, सुबह का ब्रेकफास्ट दिखाओ, रात का डिनर दिखाओ, बस यही ज़िंदगी हो गई है। और कुछ है नहीं लाइफ में उतना इंटरेस्टिंग जो मैं दिखा सकूं। सो अभी बना है मेरे घर पर आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी एंड घी, और उसके साथ पीने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए आई हैव कोक विद मी। मेरा आज बहुत मन था नूडल्स खाने का, चाहे वो देसी चाउमिन हो, मैगी हो, रामयन हो, या कुछ भी हो, बट क्रेविंग जरूरी थी बहुत ज़्यादा नूडल्स खाने की। बट घर में खाना बना हुआ है, फिर मैंने सोचा छोड़ो अब क्या लेके आना बाहर से, अब जब घर में कुछ मेहनत करके प्यार से कुछ बना रहा है तो खा लेना चाहिए। कैन यू गाइस टेल, मैंने ये सुबह बाल अपने स्ट्रेट करे हुए थे, ये कहीं से भी लग रहा है कि ये स्ट्रेट किए हुए बाल हैं। पता नहीं मेरे बालों के साथ क्या है, पहले मेरे बाल जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते थे, जबकि हम हमेशा गुद की चोटी बनाए रखते थे, फिर भी वो बाल स्ट्रेट थे उसमें भी, और अब खोल के रख रहे हैं उसमें वो वेवी हो जा रहे हैं, स्ट्रेट करने के बाद भी वो वेवी हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ उनको। और वो वेवी भी हों तो अच्छे हों, ऐसे भालू जैसे हो जाते हैं मेरे बाल, पूरे फूल जाते हैं, क्योंकि पीछे भी हैं अभी बहुत सारे, क्योंकि मैंने अपने जैकेट के अंदर डाल दिए ताकि वो आगे ना आ सके, वरना मैं तो पूरी भालू लगूंगी। वो एक डॉग की ब्रीड होती है ना जिसके कान पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, मैं सेम वैसे ही लगूंगी। मुझे भी ऐसे ही एक डॉग खरीद देना चाहिए, फिर ओनर और जो पेट है वो सेम दिखेंगे। खाना वाना खा करके मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ना गर्मी है ना ठंड है, और यहाँ बालकनी में मैं इंजॉय करती हूँ ये स्ट्रॉबेरीज जो कि हमने फ्राइडे को ली थी फ्राइडे मार्केट से, और खाई अभी तक नहीं है, और ट्यूसडे हो गया। स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो सब चीज़ पसंद है जिसमें छोटे छोटे बीज आते हैं, जैसे सब्ज़ी में भी अगर आप जखे का तड़का या राई का तड़का लगा दो। मुझे कीवी इसलिए बहुत पसंद है, कीवी में भी जो बीज आते हैं क्रंच करने में मज़ा आता है। अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को बोलूँ कि पार्क चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। सो शायद अभी मम्मी खाना वाना खा करके, तब तक मैं बर्तन वर्तन धो देती हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, फिर हम जाते हैं पार्क। हम आए हैं रात को खाना खाने के बाद चक्कर लगाने, एज आई सेड कि हम चक्कर लगाएंगे। मौसम का हम मज़ा ले रहे हैं, नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी अच्छा है।
और खाली एरिया दिख जाए तब तो और ही मज़ा आता है। यहाँ लगा रहे हैं मम्मी और मैं चक्कर। कुछ कहना चाहेंगी आप? खाना खाकर के चक्कर लगा रहे हैं मम्मी के बाद निकली। मैंने बोला कुछ कहना चाहेंगी करी। यहाँ एक लुंगड़ी पहलवान हमारे पीछे लुंगड़ी पहलवान में आ रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब सीनरी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त, मौसम भी अच्छा है और हम लगा रहे हैं चक्कर। कुत्ता हमें देख रहा है, लिंगुड़ी हमारे इंतज़ार कर रहा है, वो हमको ही देख रहा है बिल्कुल। तो हम लगा रहे हैं इधर गली में अपनी कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर चक्कर। इतना एरिया का प्रचार नहीं करना। और अच्छा लग रहा है, खाना खा करके दिन भर घर में बैठे हुए थे, अनुज आया नहीं, पापा भी दादी के साथ हैं, तो हमने कहा चलो एक राउंड लगा के, चलो इसी मौके का हम फायदा उठाएं। फायदा उठाएं हम तीनों लड़कियां, लड़कियां लेडीज पार्टी आदमियों का बहुत फायदा उठाती है। हाँ। यहाँ लिंगुड़ी हमारे पीछे पीछे कांगे। लिंगुड़ी तुम भी चक्कर लगा रहे हो? चक्कर तुम भी चक्कर लगा रहे हो हमारे साथ? हैं तुम भी आ रहे हो? नहीं कि हम कल आओ, तुम हमारे साथ चक्कर लगाओगे? आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ हमारे साथ चक्कर लगा लो। हैं वो डरा हुआ है, वो मेरे से डरा है, आ रहा है लिंगुड़ी लिंगुड़ी। यहाँ रोशनी आई और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, ना ठंड है ना गर्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खाली सड़कें हैं, बच्चे खेल रहे हैं। लिंगुड़ी तुम्हारे हमारे साथ चक्कर लगा रहे हैं हमारे साथ? आ जा आ लिंगुड़ी। लिंगुड़ी मुझे पूरा इग्नोर करते हुए, लेकिन वो मेरे पास आया गाइस, किसी ने तो मेरी सुनी। तुम ऐसे चक्कर लगा रही, तुम ऐसे चक्कर लगा रही, आज कोई तो सुनता है मेरी। लिंगुड़ी और मैं यहाँ कर रहे हैं अपनी नाइट टाइम वॉक। आ जाओ लिंगुड़ी। ओ लिंगुड़ी हो गया है वहीं पर डिस्ट्रैक्ट, उसको मिल गई है एक, अरे इसका नाम लिंगुड़ी रख दिया, अब फीमेल का क्या रखें। टिन 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 टिन, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। उसको मिल गई है फीमेल लिंगुड़ी, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया उससे। ये हमारे एरिया का मोटा, ये हर घर में जा जा करके खाता है और हर कोई इसे कुछ देता है, पर ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, ये बिल्कुल नहीं सुनता। ढाडू है ये पूरा का पूरा, इतना भैंसा जैसा, इतने मोटे तो हम नहीं हो रखे खा खा के। देखो गाइस पूरा इग्नोर कर रहा है वो, शेर जैसा, शेर का बता। मम्मी रहने दो, काटे वाटे का, इतना भैंसा जैसा हो रहा है वो। यहाँ पर मम्मी और मैं कर रहे हैं एक्सरसाइज। मम्मी की कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है। बच्ची झूल रही है, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। मम्मी सुना एक बार, पता क्या हुआ था बचपन में? हाँ? हमारे यहाँ नहीं था जो लगे हुए झूले, हाँ? उसमें अनुज और रतिक बैठे, ठीक है? हाँ? तो रतिक ने क्या बोला अनुज को कि तू बैठ जा, हाँ? और मैं खड़ा होकर के तेरे को झुलाऊंगा। हाँ? अन्नी था छोटा, हाँ? अन्नी को नीचे बिठा दिया उसने और रतिक खड़ा हो गया और रतिक ने झुलाए ते अन्नी नीचे गिर गया। अरे अन्नी चार पाँच छः साल को, अन्नी नीचे बिल्कुल खोपड़ी बची। हाँ अभी वहाँ से बेदी अंकल आए कि अरे रे 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 लड़का गिर गया, और अन्नी ना रोया जा रहा ना हंसा जा रहा क्योंकि भाई ने क्योंकि और रतिक ने गिराया, और रतिक ने गिराया, कुछ बोलेगा भी तो रतिक डांट देगा। कुछ नहीं बोला। तो गाइस हम करते हैं अपनी झूले राइड, जो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय। मैं नीचे से गिरा भाई को, अच्छा यार रोज आएंगे।
अच्छे होंगे ना, मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगी झूले के लिए। मम्मी का झूला उल्टा होने वाला है। हाँ झूला उल्टा होने वाली है। आस्था सारा हिल रहा ही है, झूला तो हिलेगा ही, ऊपर से नीचे तक जड़ से हिल रहा हो। अरे यार ये